परमात्मा सबका सोर्स है, परमात्मा सबका डेस्टिनेशन है, परमात्मा से ही सब प्रकट हो रहा है कि देने वाला परमात्मा है। अपने दिल में परमात्मा के प्रति एक सच्चा और पक्का विश्वास पैदा करना बहुत जरूरी है, और ये जानना कि संसार में जो कुछ भी मुझे मिल रहा है, जो खुशियां, जो आनंद, जो भी साधन मिल रहे हैं, वो परमात्मा के द्वारा ही मिल रहे हैं। परमात्मा सबका सोर्स है, परमात्मा सबका डेस्टिनेशन है, परमात्मा से ही सब प्रकट हो रहा है और परमात्मा में ही सब विलीन हो रहा है। अगर आप इस बात को स्वीकार कर लें तो जीवन से अनेक दुख जो है वो समाप्त हो जाए। परमात्मा ही सोर्स है, उसी से सब कुछ आ रहा है। वो हम तक पहुंचाने के लिए किसी ना किसी व्यक्ति के थ्रू ये काम करवाता है, जिसे हम साधन कहते हैं। परमात्मा ने किसी को साधन बनाकर हमारे पास कुछ भेजा, हम उस व्यक्ति के प्रति तो धन्यवाद करते हैं, उस चीज को स्वीकार भी करते हैं, लेकिन उसे याद नहीं करते जिसने भेजा है। एक बार याद अच्छे से अपने दिमाग में ये बात बिठा लें कि देने वाला परमात्मा है। अगर आपका लेना और देना दोनों परमात्मा से होगा तो आपके जीवन में कोई दुख नहीं बचेगा, तकलीफ नहीं बचेगी, क्योंकि परमात्मा की सप्लाई कभी भी समाप्त नहीं होगी, वो अनंत है। इस दुनिया में अगर किसी ने आपको कुछ दिया तो वो 25 बार तो आपका एहसान जताएगा कि मैंने तेरी मदद करी थी, 25 बार तो एहसास जताएगा। उसके बाद भी अगर कभी आपको दोबारा जरूरत पड़ जाए और आप उसी के पास जाकर दोबारा से मांगना शुरू कर दें, जो कि अधिकतर लोग करते हैं, अधिकतर लोग उस साधन को साध्य समझ लेते हैं, इसके द्वारा परमात्मा ने उसे साधन बनाकर आपको दिया। वो परमात्मा किसी और को साधन बनाकर भी दे सकता है, लेकिन अधिकतर लोग उसी साधन को पकड़ लेते हैं, इसके द्वारा प्राप्ति हुई अगली बार भी इसी से मिलेगी, कोई सुख मिला इसके द्वारा मिला, कोई हेल्प मिली इसके द्वारा मिली, इसी को पकड़ लो। इसके पकड़ने से नहीं होगा, पकड़ना उसी को पड़ेगा जो सुप्रीम है। अपना विश्वास उसी पर कायम कीजिए जो सुप्रीम है। एक व्यक्ति रात को ऑफिस से आते हुए लेट हो गया, आ रहा था तो रास्ते में एक मंदिर पड़ता था, हल्की बारिश हो रही थी, दिल तो नहीं कर रहा था कि उतरूं, लेकिन फिर भी उसने कहीं ना कहीं मन में भाव था कि लेट नाइट करीब 11:30-12 का समय होगा, तो उतरा कि चलो मंदिर के आगे से निकलते एक बार माथा टेकता चलूं। तो वहां पर वो माथा टेकने के लिए जब गया रात्रि के 11:30-11 के आसपास, तो हल्की बारिश में उसने देखा कि वहां पर एक व्यक्ति वहां पर दुबका हुआ बैठा है, कंबल में लेके हाथ जोड़कर भगवान के आगे बैठा हुआ है। तो इसने जब प्रार्थना करी तो इसका ध्यान इसकी तरफ गया और इसने कहा कि इसको शायद इसको कोई तकलीफ है, इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इसने जब उसको देखा तो इसके मन में बड़ी करुणा आई। इसने कहा कि भाई तुम्हें किसी चीज की जरूरत है, तुम परेशान से दिख रहे हो और तुम बड़ा रो रहे हो, कुछ हेल्प कर दूं? तो इसने कहा कि जी, उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि मेरी बेटी को का कोई ऑपरेशन होना है, कल उसका ऑपरेशन है और मुझे करीब 10,000 रुपये की जरूरत है, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं तो एक फकीर जैसा बंदा हूँ, लेकिन मेरे को ये तकलीफ है, तो मैं भगवान के सामने ये प्रार्थना कर रहा था कि कोई रास्ता दे दो, कोई रास्ता दे दो, तो परमात्मा ने आपके रूप में फरिश्ता भेज दिया है, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उस व्यक्ति ने अपनी जेब से वो पैसे पड़े हुए थे बाई चांस उसने निकाल के दे दिए, 10,000 रुपये उसको पकड़ा दिए, और जब वो दिया उसने बहुत धन्यवाद माना, बहुत सर झुकाया परमात्मा के सामने भी और उस व्यक्ति के सामने भी सर झुकाया। अब ये व्यक्ति जब जाने लगा तो इसने अपना कार्ड पकड़ाया और कहा कि आगे भी कभी कोई तकलीफ आए ना तो ये कार्ड रख लेना और मुझे कॉल कर देना, कोई तकलीफ आए तो मैं फिर भी तुम्हारा ध्यान रखूंगा। इस व्यक्ति ने कहा कि मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मुझे आपके इस कार्ड की जरूरत नहीं है। उसने पूछा क्यों जरूरत नहीं है? तो उसने कहा कि मेरे पास ये अंतिम कार्ड है ना, ये बैठे हैं जो सामने, जिन्होंने आज आपको भेजा है, ये किसी ना किसी को भेज ही देंगे, मेरी समस्याओं का समाधान इनके पास है, आपके पास नहीं, आपको साधन बनाया गया है, इसलिए आपका धन्यवाद देता हूं, बार बार शुक्राना करता हूं आपका, लेकिन देने वाला वो है, ये नहीं भूलना। हम उसको भूल जाते हैं। गुरु नानक साहब जी फरमाते हैं, दात प्यारी विसरया दातार, जो दात मिल गई उसे हम पकड़ कर बैठ गए, वो हमें बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जिसने दिया उसे भूल जाते हैं, तो परमात्मा एक दिन आपसे वो दात भी छीन लेता है, क्योंकि परमात्मा अंत में अपने बच्चे से मिलना चाहता है, वो आपको अपने साथ मिलाना चाहता है, लेकिन हम चीजों को पकड़कर बैठे हैं, परमात्मा को पकड़कर नहीं बैठे। परमात्मा सोर्स है, उसी से सब निकला है, उसी पर अपना विश्वास कायम रखना, जो आज दे रहा है वो कल भी देगा। इसलिए जो साधन है उनको पकड़ के मत बैठ जाना, इस व्यक्ति ने मुझे दिया ये दोबारा ये नहीं देगा, देने वाला वो है। अपना विश्वास अपने प्रभु पर, अपने ईश्वर पर सदा कायम रखना। गॉड ऑलवेज एट नंबर 1,
मेरे गुरुदेव सदा मेरे लिए नंबर वन है, वही दे रहे हैं, किसी के द्वारा भी दिलवा रहे हैं वही दिलवा रहे हैं। अगर कोई सम्मान मिला है तो उसके द्वारा मिला है, और अगर कोई सीख मिली है तो भी उसके द्वारा ही मिली है। अगर कोई गुस्सा करता है तो भी मेरी शिकायत उस व्यक्ति के प्रति ना होकर उस सुप्रीम के प्रति होती। अगर मेरा कोई भी लेना देना है तो उससे है, तो कह देना दिल से। कहीं कुछ से कुछ वाहवाही हो तो कह देना प्रभु तेरे समर्पित, क्योंकि ये भी तेरी कृपा का खेल है। और कभी कोई अपमान हो तब भी कह देना प्रभु तेरे समर्पित, क्योंकि ये भी तेरी कृपा का ही खेल है। गुरु नानक साहब जी की जगह फरमाते, केते दुख भूख सद मार एवी दात तेरी दातार। कभी कभी किसी व्यक्ति पर दुख आता है, भूख से व्याकुल होकर लोग मर जाते हैं, दुखी होते हैं, कहते प्रभु ये भी तेरी दात है, पता नहीं तू किस रूप में उनको अपनी याद दिलवाने के लिए ऐसा कर रहा हो। ये दुख भी उसके जीवन में कुछ उजाला करने के लिए आए हों, ये दुख भी उसके जीवन को और पावरफुल स्ट्रांग बनाने के लिए आए हों। इसलिए कितने भी दुख आए, भूख आए, तकलीफें आए, तो उस देने वाले को नहीं भूलना, ये जानना कि वो मंगलकारी है, वो जो भी कर रहा है अंत में मंगल ही होगा। आज भी मंगल है और कल भी मंगल ही होगा, सदैव सबका मंगल होगा। ये परमात्मा मंगल भवन अमंगलहारी है, इसलिए उस पर अपना विश्वास कायम रखना। मेरी आस तू, मेरा विश्वास तू, मेरी दौलत तू, मेरी आमदन तू, मेरी जिंदगी का सच्चा सरमाया तू, सच्चा खजाना तू, ऐसा मांग जब रखेंगे, ऐसा दिल में जब विश्वास रखेंगे, तो परमात्मा कभी भी आपको अपने से दूर नहीं करेगा। उसी के साथ जुड़े रहेंगे तो अंत में उसी में जाकर समा जाएंगे, कुछ और करने की जरूरत नहीं। यही है टोटल समर्पण, यही है सरेंडर, यही है वो भाव कि देने वाला भी वही, लेने वाला भी वही, अंत में मुझे उसी के साथ एक रूप हो जाना है। सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।